बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तीसरा दिन दो तीन दिन हो गए और बहुत ही बिजी रहे हैं हरम में और इबादत में लगे रहे हैं, कुछ टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैंने थोड़ा सा मोबाइल ऑन किया है और सहरी करने के बाद ही तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह हमने क़ियामुल लैल पढ़ी है और तरावी की दुआ भी मौलवी ने करवाई है। मौलाना साहब ने एक पूरे घंटे की दुआ थी और बहुत ही लंबी इबादत की हैं। अल्लाह मंजूर मकबूल फरमाए और सबके लिए भी दुआएं की हैं। और अभी मेरा नेट ऑफ था क्योंकि पैकेज मेरे सिम पे नहीं लग सका, तो मेरी सहेली ने अभी मुझे नेट भी दिया है। तो मेरा मोबाइल ओके हो गया, इसलिए मेरा नेट पर किसी से रबता नहीं था क्योंकि मेरी सिम में एक्सपायर हो रही थी और उस पर पैकेज नहीं लग सका। तो आज तो खूब पूरी रात इबादत में गुजरी है और अभी एंड टाइम हम सहरी करने आए हैं। तो यहाँ पे कल वाली रात जो है मेरे नफर शुरू हो चुके थे, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने बोला मुझे यहाँ से तुर्की अबाय लेके दे, तो मैंने जल्दी जल्दी उसको इस शॉप से अबाय लेके दिए तुर्की और फिर मैं रात चली गई क़ियामुल लैल में। तो जी हमारी चाय भी आ गई है और ये दिखाना जो है बच गया है, ये अपनी फ्रेंड को जाके दे देती हूँ। और चाय हमारी आ गई है, ये मैं कैसे खोलूँ आज, ये देखो इधर से थोड़ा सा सुराख। तो अभी हमारा रोज़ा रखा जा रहा है, वो भी सोमी का दिन नवे, तो मैं शहर रमज़ान दो तीन दिन मैंने मोबाइल ही नहीं निकाला। अभी निकलते वक्त ना मुझे सहेली ने नेट लगा के दिया है और चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी, ये चार्जर सेल भी लगाया है, तभी मैंने थोड़ा सा मोबाइल ओके किया है और टाइम ही नहीं मिल रहा। जुम्मा पड़ा और जो रात में तरावी होती है पहले, फिर क़ियामुल लैल होती है और पहले एक दुआ होती थी, और आज तो एक पूरे घंटे की तरावी की दुआ थी और एक घंटे की आधे घंटे की थी जो दुआ थी दूसरी क़ियामुल लैल के बाद की, जो दूसरी दो बजे इबादत शुरू हुई और अब हम फजर पढ़ के तो आज हमने मक्का रवाना हो रहे हैं। यहाँ बहुत ही मज़ा आया, अफ्तारियाँ सहरियाँ थोड़े थोड़े मैंने क्लिप रिकॉर्ड करके रखे हैं, वो मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आज मैं अभी फजर पढ़ के सहेली के घर जा रही हूँ और जोर के बाद हम एहराम बांधेंगे और उम्रे के लिए रवाना होंगे और पाँच घंटे हमें मक्का जाने में लगेंगे। तो मक्का पहुँचने के बाद आपसे मुलाकात होगी। अब मैं बैटरी यहाँ पे फुल कर लूँगी और अगर नेट ना भी हुआ तो वीडियो बना लूँगी जो कि घर जाके आपसे शेयर करूँगी। लेकिन पहले उम्रा करेंगे, सारी इबादत पूरी करेंगे। अब तीन दिन हमने इबादत की है, बस थोड़े से क्लिप एक दो बनाए थे वो पढ़े हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगी। और अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और अब औलादों को औलाद दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे और बीमारत को तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला सबको अपने घर में ले आए, मक्का मदीना दिखाए। और जो जो जिस जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है और जिसने नहीं कहा, अल्लाह ताला उनके भी दिल की आसें मुरादें पूरी करें और उनको कामयाबियाँ अता फरमाए, उनके बच्चों को कामयाबियाँ दें, उनको रोज रिजक में कामयाबियाँ अता फरमाए, सब लोगों को सेहत अल्लाह ताला बहुत अच्छी सेहत से नवाजे और सब लोगों की रोज़ी में इजाफा फरमाए। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इजाज़त चाहती हूँ, जल्दी जल्दी चाय ख़त्म करते हैं, अजान होने वाली है थोड़ी देर में और फजर पढ़ के फिर काफ़ी तीन दिन से मैंने एक एक दो दो घंटा नींद किया, तो अभी जाके मैं फजर पढ़ के सो जाऊँगी और फिर उठ के हम इहराम बांधेंगे, तैयारी करेंगे उम्रे के लिए और जोर पढ़ के हम इधर से उम्रे के लिए निकलेंगे। पाँच घंटे का चार का सफ़र होगा और फिर हम इंशाल्लाह आज मक्का शाम या रात में पहुंच जाएंगे जैसे ही नसीब में हुआ। तो यहाँ पे इजाज़त, बाय बाय। ये है हमारी आज की आखिरी यादें मदीना की, फिर शायद ज़िंदगी हो। और मेरा दिल नहीं चाह रहा कसम से जाने को, मेरा दिल भीग आया, मेरा दिल नहीं।